हर शाम आती है एक याद लेकर, हर शाम जाती है एक याद लेकर, हर शाम आती है एक याद लेकर, हर शाम जाती है एक याद लेकर। और आज की शाम जो आई है बहुत ही खास आई है, जो कि हम सभी को लेकर आई है एक साथ लेकर। वेल विद दिस अमेजिंग क्यूट आई वेलकम्स यू ऑल इन द फर्स्ट स्टेप टैलेंट शो ऑफ भारतीय विद्या भवन डिपार्टमेंट ऑफ फिल्म टीवी एंड स्टडीज 2024। दिस इज मी खुशी ठाकुर, योर होस्ट ऑफ दिस ब्यूटीफुल इवेंट एंड दिस ब्यूटीफुल टैलेंट शो। पोइट्री तो आप सभी को ही पसंद होगी, जैसे कि आप सभी को पता है कि पोइट्री हम बचपन से ही पढ़ते आए हैं, 10th की बुक्स में, इवन प्लस टू की बुक्स में, एंड इवन आपने कॉलेज की इंग्लिश बुक्स में भी पढ़ी ही हुई है। तो ऐसा है नहीं कि कोई पोइट्री नहीं जानता हो। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं अपने कंटेस्टेंट के साथ, जो कि हैं हमारे मंजर, जो कि एनिमेशन कोर्स से हैं और जो हमें इंग्लिश पोइट्री सुनाने वाले हैं। बिटवीन फ्रेम्स एंड फ्लेम्स, द स्क्रीन इज वाइड, द वर्ल्ड इज वास्ट, इमोशंस राइड हाई, बर्निंग फास्ट, लव डिजायर इन एवरी ग्लैंस, a heartbeat echo, a lover's chance. But television steady and slow, in episode long, passion bloom. Not in the brush, but in the room, the movie's passion is a wild embrace, a fleet kiss in the crowded place. TV's love is a quiet touch, a lingering grace, the meaning is so much. Both are flames, but different in fire, one burns quick, the others build higher. In contrast, the point desire face in light and shadow in the time and space. Thank you. भाई ये तो थी हमारी पोइट्री। तो चलिए हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, जो कि है सबसे हटके। आप सभी को रैप तो बहुत ही पसंद होगा, ऐसा तो है नहीं कि किसी को यहाँ पर रैप पसंद नहीं होगा। आप सभी ने टीवी पॉपुलर शो में देखा भी हुआ है, हसल 2.0 में कितने सारे रैपिस्ट आते हैं और कितने सारे जाते हैं। तो चलिए हम अपने कंटेस्टेंट को बुलाते हैं, जो कि है हमारी महविश, जो कि एनिमेशन कोर्स से है, जो कि एक रैप सुनाने वाली है। तो जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं महविश का। माँ, मम्मी, अम्मा, नाम अनेक है पर ममता सबकी एक है। पहला शब्द, पहला टीचर, पहला स्कूल मेरी माँ, पहली सास, पहला दोस्त, पहला प्यार मेरी माँ। पहला शब्द, पहला टीचर, पहला स्कूल मेरी माँ, पहली सास, पहला दोस्त, पहला प्यार मेरी माँ। सुपर माँ है मेरी माँ, क्या बोलूँ मैं माँ के बारे, दुनिया भी ये कम पड़े, झुकता पहले माँ के आगे, मंदिरों में बाद में, शक्तिमान की शक्ति माँ में, खुद के सपने कैद कर, मेरे सपने छोड़े आसमां में, कितनी रातें मेरी माँ ने भूखे रह गुजारी है, मेरा पेट भर के खुद की भूख पे भी हारी है, मेरी खुशियों की खुशी के लिए अपनी खुशियों को मारा और पूछा, अब कुछ है ना बेटा। गलती करता था तो मुझे पापा से बचाते थे, पर कोने में ले जाके मुझे डांट भी लगाते थे, रोता था तो आपकी आंखों में भी आंसू होते थे, चोट मुझे लगती थी, न जाने क्यों आप रोते थे, शायद यही माँ की ममता है, यही माँ का प्यार है, जिसके आगे झुकता जिंदगी का अंधकार है। करता हूँ मैं रोजे अपनी माँ की ही फिक्र, भले मैं खोना नहीं चाहता, मेरी माँ सदा अमर रहे। पहला शब्द, पहला टीचर, पहला स्कूल मेरी माँ, पहली सांस, पहला दोस्त, पहला प्यार मेरी माँ। पहला शब्द, पहला टीचर, पहला स्कूल मेरी माँ, पहली सांस, पहला दोस्त, पहला प्यार मेरी माँ। माँ के बिना कोई कैसे खुश रह पाएगा, नींद ना आने पर कौन अपनी गोद में सुलाएगा, अपने हाथों से खाना खिलाएगा, कौन बेटा कह के बुलाएगा। माँ जब रातों को नींद ना आएगी, तब किसकी गोद में मैं सोऊंगा, जब गिर के चोट लग जाएगी, तब किसके आंचल में रोऊंगा, कौन बोलेगा मुझे आंखों का तारा, कौन बोलेगा मुझे अपना दुलारा, कौन मेरी कीमत बताएगा, जब दुनिया बोलेगी मुझको नकारा, मेरी जिंदगी बंदगी चाहे घड़ी अंत की, सदा रहे जुबानों पे मेरी माँ, मेरी आंसू पीने वाली परछाई बन के चले संग चले संग चले मेरी प्यारी माँ, खुशियों का भंडार मेरी माँ, भगवान का रूप है मेरी माँ, जब जरूर रहता हूँ माँ से मैं, यही बोल कर करता हूँ याद। पहला शब्द, पहला टीचर, पहला स्कूल मेरी माँ, पहली सांस, पहला दोस्त, पहला प्यार मेरी माँ। पहला शब्द, पहला टीचर, पहला स्कूल मेरी माँ, पहली सांस, पहला दोस्त, पहला प्यार मेरी माँ। पहला शब्द मेरी माँ, पहली सांस, पहला दोस्त, पहला प्यार मेरी माँ। तो चलिए आप सभी को जैसे नेक्स्ट कंटेस्टेंट की भी ओर भी बढ़ते हैं, और जैसे कि आप सभी को पता है कि स्केचिंग करना कितना हार्ड है और कईयों के लिए इजी भी होता होगा, ये कोई बड़ी बात नहीं है, बट फिर भी हम नेक्स्ट कंटेस्टेंट को बुलाना चाहेंगे, जो कि हैं हमारे लक्ष्य नेगी। लक्ष्य नेगी जो कि एडिटिंग कोर्स से हैं, जो कि हमें स्केच करके दिखाएंगे। Thank you.
चलिए तो फिर अगले कंटेस्टेंट की ओर बढ़ते हैं जो कि हमारी पोइट्री की ही हैं। तो हम बुलाना चाहेंगे आफरीन को जो कि जर्नलिज्म कोर्स से हैं, जो हमें पोइट्री सुनाएंगी। मेरी पंक्तियों की लाइन कुछ इस तरह है कि एक लड़की होती है जो खुद से बातें करती है, खुद ही सवाल करके खुद ही को जवाब देती है। एक दिन रोई थी अकेले मैं, खुद से कई सवाल पूछे, आखिर क्यों मैं सब सह जाती हूँ, मैं चुप क्यों रह जाती हूँ। सब सवालों के जवाब खुद ही दे जाती हूँ, बस यही खुद को समझाती हूँ। प्रॉमिस करती हूँ खुद से कि अब नहीं करूँगी किसी पर ट्रस्ट, लेकिन फिर भी वही गलती कर जाती हूँ। क्या करूँ, सारी अच्छाई मुझ में ही भरी है, इसलिए सबको माफ़ कर देती हूँ। बातें करती हूँ खुदा से, ऐसा क्यों होता है मेरे साथ, बस यही पूछती रहती हूँ काफ़ी देर रोने के बाद, और फिर एक बार मैं मुस्कुराती हूँ। धन्यवाद। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कंटेस्टेंट की ओर जो कि हैं हमारे गौरव, और वो एडिटिंग कोर्स से हैं जो कि हमें एक गाना सुनाने वाले हैं, और उनकी अपनी मधुर आवाज़ में वो ऐसा गाना सुनाएंगे जिससे कि वो सबका दिल जीत लेंगे। क्यों आजकल नींद कम ख्वाब ज़्यादा है, लगता खुदा का कोई नेक इरादा है। कल था फकीर आज दिल शहज़ादा है, कल था फकीर आज दिल शहज़ादा है, लगता खुदा का कोई नेक इरादा है। क्या मुझे प्यार है ऐसा खुमार है, क्या मुझे प्यार है ऐसा खुमार है। वो 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 आँखों से पढ़ के तुझे दिल पे मैंने लिखा, तू बन गया है मेरे जीने की एक वजह। तेरी हंसी तेरी अदा औरों से है बिल्कुल जुदा, वो तेरे एहसासों में भीगे लम्हातों में मुझको डूबा तिश्ना की सी है। तेरी अदाओं से दिलकश खताओं से इन लम्हों में जिंदगी सी है। हया को जरा भूल जाओ, मेरी ही तरह पेश आओ। खो भी दो खुद को तुम बाहों में, मेरी बाहों में, मेरी बाहों में, मेरी बाहों में, वाह। तुम क्यों चले आते हो हर रोज़ इन ख्वाबों में, चुपके से आ भी जाओ एक दिन मेरी बाहों में। तेरे ही सपने अंधेरों में उजालों में, कोई नशा है तेरी आँखों के प्यालों में। तू मेरे ख्वाबों में, सवालों में, जवाबों में, हर दिन चूरा तुम्हें मैं लाता हूँ ख्यालों में। क्या मुझे प्यार है ऐसा खुमार है, क्या मुझे प्यार है ऐसा खुमार है, वो वो वो। चलिए अब हम नेक्स्ट कंटेस्टेंट को बुलाते हैं जो है हमारी विधि जो कि जर्नलिज्म कोर्स से हैं, जो कि हमें एक पोइट्री सुनाने वाली है, तो तालियों के साथ उनका स्वागत करते हैं। सो माय पोएम इज समथिंग द फर्स्ट मीट। For the very first time when I saw him at some of the random metro station, that feeling where I cannot describe, that whether I'm shaking because of the butterflies or out of the nervousness that's within me. Him in his plain blue t-shirt which he recently wore to his trip to Ludhiana, paired with blue jeans, white sneakers and a computer bag on his back.
and a black watch on his left wrist, on the other one the Kala Dora and Kalawa, which shows his respect and his love towards his culture, or more accurately I say his love for his mom, because she have only asked him to wear this. Thank you. तो चलिए हम नेक्स्ट कंटेस्टेंट को बुलाना चाहते हैं जो कि हैं प्रतीक शर्मा, जो कि कैमरा कोर्स से हैं और जो हमें पोइट्री सुनाने वाले हैं। तो चलिए हम उनका स्वागत करते हैं तालियों के साथ। नमस्कार, राम राम सभी को। मेरा नाम प्रतीक शर्मा, पीसीएम से हूँ। आज मैं आप सभी को कविता सुनाऊंगा हिंदी की, संघर्ष और जरूरतों पर, जिसका शीर्षक है वो तरसता रहा पानी के लिए। सामने समुद्र था, निवाले भी खाए बहुत, पी सका ना बूंद भी, प्याले तो भर लाए बहुत। कविता की पंक्ति शुरू करते हैं, इसका मतलब है कि सामने समुद्र है, खाया बहुत, समुद्र का पानी पी नहीं सकते, मगर प्यासा रहा। चल रहा था धूप में, जल रहा भी धूप में, ढूंढने लगा मैं नाथ हर किसी के रूप में। होठ सूखने लगे, थूक भी बचा नहीं, कांपने लगे थे पांव, दम भी भर सका नहीं। प्राण है बाकी अभी, जीभ लड़ खड़ा रही, खोज है जारी मगर छाँव नहीं मिली कहीं। जब छाँव मिली तो बैठकर देखा, वहीं पास एक गांव दिखा, आस की लहर उठी। मतलबी गांव था वो, पिला दिया जहर वहाँ, बताकर पानी है ये। चल चुका था ये पता तो आँख से लहू बहा, प्यास भी बुझी नहीं, जहर दो और ये कहा। खत्म हो चुका जहर पर प्यास खत्म ना हुई, चल पड़ा वहाँ से अब तलाश खत्म ना हुई। गांव मिला था एक और, लोग मतलब ही न थे, भर लाए प्याले बहुत, वो होश में अभी न थे। कहाँ मिलेगा वो जहर जो पीछे गांव मिला था, प्यास बढ़ चुकी है अब, तुमसे क्या कोई गिला। धन्यवाद। गिनती आज भी नहीं आती मेरी माँ को, गिनती आज भी नहीं आती मेरी माँ को, मैं एक रोटी मांगती हूँ तो वो मुझे दो दे जाती है। तो चलिए अब हम नेक्स्ट कंटेस्टेंट को बुलाना चाहेंगे जो कि हैं धनराज, जो कि कैमरा कोर्स से हैं, जो कि हमें पोइट्री सुनाएंगे माँ पे। सो ये कविता है मेरी माँ के लिए। जैसा कि आपको पता है कि माँ तो माँ होती है, तो मेरी प्यारी माँ, मैं अगर रूठूँ तो तू मनाना जानती है, मैं अगर रोऊँ तो तू हंसाना जानती है, मेरी परेशानियों को एक पल में मिटाना जानती है, अपना दुख छुपाकर दूसरों को हंसाना जानती है। कि ये कर्ज़ मैं कैसे चुका पाऊँगा तेरा, जितना आपने किया है मेरे लिए क्या उसका आधा भी मैं कर पाऊँगा। मुझे पता है तुमने सही है काफ़ी तकलीफ़ें, एक दिन उन तकलीफ़ों को मैं मिटाऊँगा और माँ एक दिन तुम्हें अपने पे बहुत प्राउड फील करवाऊँगा। थैंक यू। तो चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट कंटेस्टेंट की ओर, जो हमारे एडिटिंग और कैमरा कोर्स से हैं, जो कि हमें एक एक्टिंग करके दिखाएंगे और उस एक्टिंग में आप सभी का मनोरंजन करके भी दिखाएंगे। 70 लाख कहाँ से लाऊं? भाई मेरे हाथ लग गए तो तुम्हारे भाई के पास बहुत पैसा है, कहीं से लोगे तुम्हारा भी हो जाएगा। हाँ सच में छोटू, एक चाय छुट्टा नहीं है, एक टिप है, टिप 1000 रुपये। हाँ चाय के पैसे बाद में देता हूँ। ठीक है साहब, ठीक है। छोटू यार, इतनी गर्मी किसी को भेज के मेरे बंगले से 3-4 AC क्यों नहीं मंगवा लेता? जब इतनी गर्मी है तो जाकर 5-star होटल में चाय क्यों नहीं पी लेता? वो क्या है ना बेटा, आदत हो गई है। एक ज़माना था जब हम भी गरीब हुआ करते थे, रातों रात करोड़पति हो गए। रातों रात करोड़पति? हाँ। कैसे? 25 दिन में करोड़पति। 25 दिन में करोड़पति? मैं क्या गाँव से आया हूँ क्या यार? नोट छापने का धंधा है क्या? ये नोट छापने का धंधा नहीं, ये ओ भाई थोड़ा सरक उधर। एक अमीरों की स्कीम मेरे हाथ लगी है, 25 दिन में पैसा डबल। 25 दिन में पैसा डबल? इसके लिए 70। सब चाय शक्कर डालिए।
छोटू जब चाय लो, चाय ला, बहुत प्यारी सी मेरी। आ जाइए। इसके लिए 70 लाख चाहिए। 70 लाख जोर जोर के बोल के लोगों को इसकी बता दे। 70 लाख हाँ भाई, इतना तो नहीं है मेरे पास। 50 लाख इससे कम में नहीं हो पाएगा भाई, कुछ तो मेरा काम कर लास्ट है। सुन 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 सुन, बैठ 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 बैठ, मेरे दिमाग में तेरे लिए एक स्कीम और है। बताओ ना भाई। 30 लाख रुपए भाई। 30 लाख नहीं, 20 लाख है मेरे पास। अरे यार शिट। अच्छा चल ठीक है, पैसे कहाँ हैं? पैसे बाजू में है भाई, अभी लेके आ सकता है? अभी ला सकता हूँ, नगद कैश। ऐसा कर, पैसे लेके 22 नंबर बंगले पे पहुँच। 22 नंबर बंगले पे? अच्छा ठीक है, मैं पैसे लेके आता हूँ और तुम जल्दी से वहाँ पे पहुँच। ठीक ठीक ठीक। 50 लाख कहाँ से लेके आऊँ भाई? इसकी गारंटी क्या होगी? कौन सी गारंटी भाई? मतलब कुछ सिक्योरिटी? भाई तू जा, तू जा भाई, तू जा भाई, तू जा। ये तेरे लिए स्कीम है ही नहीं, तेरे लिए तेरे लिए 10 रुपए वाले स्कीम में बहुत है। हैगा भरोसा भाई, मैं अभी लाता हूं। ठीक है चल ठीक है, आएगा ना? हां हां आऊंगा। पक्का आएगा ना? पक्का। चल ठीक है ठीक है। चलिए तो बढ़ते हैं नेक्स्ट कंटेस्टेंट की ओर, चंदन, जो कि अपनी खुशबू से सबको खुश कर देंगे, जो कि एनिमेशन कोर्स से हैं और वो हम सभी को एक पोएट्री सुनाने वाले हैं, तो उनका तालियों के साथ स्वागत करें। गुरु है ज्ञान का दीपक, अंधकार दूर करे, जो ज्ञान के सागर से लेकर सूर्य तक ले जाए। गुरु है माता पिता से भी बढ़कर, दे ज्ञान और शिक्षक का मतलब शिष्य का मार्गदर्शन करे, बन जाए उसका सच्चा मित्र। गुरु का स्थान है सबसे ऊपर, देवों से भी श्रेष्ठ, गुरु की कृपा से ही होता है विद्यार्थी जीवन साकार। गुरु की कृपा से ही एक शिष्य बनता है अच्छा समाज सेवक, जो ज्ञान की गंगा बहाए वही होता है सच्चा शिक्षक। धन्यवाद। तो डांस तो आप सभी को ही पसंद होगा, ऐसा तो है नहीं यहाँ पर कोई जिसे डांस पसंद नहीं होगा। तो चलिए हम अपने कंटेस्टेंट को बुलाना चाहेंगे, जो कि हैं हर्षित, जो कि एडिटिंग कोर्स से हैं, जो हमें डांस करके दिखाएंगे। Oh,
आइए चलते हैं अब अगले प्रोग्राम की तरफ, जो कि हैं खुशी, जो कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कोर्स से हैं, जो कि हमें स्टैंड अप कॉमेडी करके दिखाएंगी। आज सुबह मैं उठी, मैंने सोचा आज थोड़ा दिन अच्छा करने के लिए एक्सरसाइज करूँगी, तो फिर मैंने सोचा कि एक मिनट थोड़ा योगा कर लेती हूँ, योगा करने से ना थोड़ा अच्छा लगेगा मुझे, मेडिटेशन वगैरह कर लेती हूँ। फिर मैंने थोड़ी देर सोचा कि नहीं यार, पहले ना कॉफ़ी पी लेती हूँ, योगा मैट अकेली बेचारी क्या करेगी, तो मैं ना कॉफ़ी बना के लाई। फिर उसके बाद मैंने सोचा अब कॉफ़ी अकेली हो गई, कॉफ़ी के बाद मैंने बिस्किट लेकर आई, फिर हम तीनों मिलकर आराम से मस्त अपना एक्सरसाइज कर रहे थे, समझ आया? ऐसे ऐसे ऐसे। एंड फिर उसके बाद क्या हुआ, फिर मैंने सोचा कि अब थोड़ा कॉन्सेंट्रेट कर लेते हैं योगा की तरफ। सेहत की प्लानिंग का तो कुछ ऐसा ही हाल हुआ मेरा। फिर मैंने सोचा एक और कॉफ़ी, एक घंटे बाद एक और कॉफ़ी बनाकर लाई, फिर एक और बिस्किट खा के फिर एक्सरसाइज करने पे फोकस करा मैंने। मैंने कहा अब तो ज़्यादा हो गया, अब एक्सरसाइज पर फोकस करती हूँ। फिर मैंने सोचा कि सबसे बेस्ट एक्सरसाइज कौन सी होती है आप लोगों के अकॉर्डिंग, मतलब योगा कौन सा वो आसन अच्छा होता है? भाई सवासन होता है सबसे बेस्ट, वो ऐसे पूरा ऐसे लेट जाओ, सबसे बेस्ट एक्सरसाइज वो होती है। आ जा तू, आ जाओ आ जाओ। तो फिर मैंने सोचा कि ये सबसे बेस्ट आसन होता है, मैं यही करूँगी। 10 मिनट बाद मैं आराम से मस्त सो रही हूँ, ऊपर पापा आए, कहते खुशी खुशी, मैंने कहा आ उठ गई, मरी वरी नहीं हूँ मैं। क्योंकि फिर उसके बाद यही था। और मतलब मैं तुम लोगों को एक फ़नी स्टोरी बताती हूँ, बहुत फ़नी स्टोरी है। मैं 6th में थी, मेरी हिंदी बहुत ही ज़्यादा उस टाइम वो क्या बोलते हैं बिल्कुल ख़राब थी। तो मेरे को मेरी टीचर ने बोला था एक तुम्हें एक वो क्या बोलते हैं कविता बोल लो या कुछ भी, वो याद करके आनी है और तुम्हें कल सुनानी है स्टेज पे। मुझे याद नहीं हो रही थी, वो धोआ धोआ बोलते हैं उसे, हाँ, तो मुझे वो याद नहीं हो रही थी। मम्मी ने मुझे 2 चाटे मारे, मुझे तब भी याद नहीं हुई, 2 घूसे मारे, और मम्मी ने ये मेरा दांत यहाँ पे हिल रहा था, मम्मी ने घूसा मारा ऐसे करके, मैं सोफे की तरफ वहाँ जाके गिरी और मेरा दांत कहीं और गिरा। अगले दिन भाई मुझे आज तक वो दोहा याद है, वो दोहा है रहीमन दागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटन से भी ना जुड़े पड़ जाए जब गांठ। मुझे आज तक ये दोहा याद है, मुझे पिछले का साल का कुछ भी याद नहीं होगा, सिर्फ एक घूसे से कितना फ़र्क होता है तुम ये सोचो। थैंक यू सो मच, थैंक यू। अगला प्रोग्राम है हमारा सिंगिंग, जो कि लेकर आ रहे हैं आज़ाद, जो कि टेलीविज़न प्रोडक्शन कोर्स से हैं, तो आप सभी उनका तालियों से स्वागत कीजिए।
सभी मुझे बता सकते हैं कि नेक्स्ट परफॉर्मेंस और शो किसका होने वाला है? आई थिंक आप सभी को तो पता ही होगा कि ये किसका होने वाला है। तो चलिए अब ये शो जो है ये डांस का होने वाला है। तो चलिए अब हम अपने परफॉर्मेंस देने वाले इंसान को बुलाते हैं जो कि हैं समृद्ध, जो कि जर्नलिज्म कोर्स से हैं, जो कि हमें डांस से सबका दिल जीतेंगे। शायरी हो जाए तो अब हम बुलाना चाहेंगे सुहेल को जो कि है एनिमेशन कोर्स से, जो कि हमें शायरी सुनाने वाले हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम सुहेल खान है। देखो मैंने कभी शायरी तो वगैरह करी नहीं है तो मुझे थोड़ा हौसला देना। तो शायरी सुनाने से पहले मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बता देता हूँ कि लड़का लड़की दोस्त होते हैं लेकिन उनकी जो फीलिंग्स होती है ना एक दूसरे के प्रति वो कुछ ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं और वो दोस्ती की हदों को पार कर चुके होते हैं। तो एक दिन वो दोनों शाम के टाइम चांदनी रात में चांद बहुत जोरी से चमक रहा है और वो बैठे हुए हैं, लड़का बैठा है, लड़की खड़ी हुई है उसके आगे सर झुकाए। तो लड़का बोलता है बैठ जाओ, लड़की नहीं बैठती। तो लड़का खड़ा होता है, एक हाथ से उसका हाथ पकड़ता है, दूसरे हाथ से उसके झुके हुए सर को उठाता है और शायरी बोलता है कि तुम्हें मोहब्बत सिखाता हूँ यहाँ बैठो। कुछ गजलें सुनाता हूँ यहाँ बैठो। क्या कहा, वो चांद पसंद है तुम्हें, अच्छा उतार के लाता हूँ यहाँ बैठो। डर क्यों रही हो, मैं हूं ना, अच्छा सीने से लगाता हूँ यहाँ बैठो। तो उस पर लड़की का जवाब होता है कि बैठ तो जाऊं मगर क्या सच में गजलें सुनाओगे। के बैठ तो जाऊं मगर क्या सच में गजलें सुनाओगे। हाँ चांद तो पसंद है पर क्या सच में तोड़ कर लाओगे। डरती हूं तुम्हें खोने से, अगर पास बैठ जाऊं तो क्या सच में सीने से लगाओगे। अच्छा इस लड़की के लिए मैंने एक दूसरा वर्स भी लिखा था तो मैं थोड़ा कंफ्यूज था, मैं दूसरा भी सुना देता हूँ, बताना कि कौन सा ज़्यादा अच्छा है। कि तुम पास तो बैठो, मोहब्बत में खुद सीख जाऊंगी।
कि तुम पास तो बैठो, मोहब्बत में खुद सीख जाऊंगी, कुछ अधूरी गजलें तुम सुनाओ, उन्हें पूरा मैं कर जाऊंगी। हाँ चांद तो पसंद है, पर तुम्हारे साथ देखना चाहूंगी, डर तो नहीं पर अगर सीने से लगाओगे तो थोड़ा डर जाऊंगी। दो लाइन और बोल देता हूँ कि मेरी तमन्ना मेरा एतबार नहीं करती, मेरी तमन्ना मेरा एतबार नहीं करती, वो प्यार से बात तो करती है पर प्यार नहीं करती है।